बच्चों, इस पाठ में हम दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव करते समय होने वाली कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। एक दिन भोला और गोलू पांडा घूमते घूमते गणित के उल्टे पुल्टे गांव में पहुंच गए। गांव के अंदर बहुत सारा खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें इस गांव की उल्टी पुल्टी पहेलियां सुलझानी होंगी। उन्हें एक पेड़ पर ये घटाव लिखा नजर आया। बच्चों, क्या ये घटाव सही है? आपने सही पहचाना, ये घटाव गलत है। क्या भोला और गोलू इसे ठीक कर पाएंगे? आइए देखते हैं। भोला ने देखा कि इस घटाव में 47 के 4 10 में से 23 के 3 1 को घटाया गया है और 47 के 7 1 में से 23 के 2 10 को घटाने की गलती हुई। अब भोला ने इस तरह उत्तर को मिटाकर इस तरह 47 के 7 1 में से 23 के 3 1 घटाए, फिर 4 10 में से 2 10 घटाकर 24 उत्तर में लिख दिया। बच्चों, क्या भोला का उत्तर सही है? जी हाँ, भोला का उत्तर बिल्कुल सही है। भोला के पेड़ पर उत्तर लिखते ही पेड़ पर से ढेर सारे सुनहरे फूल बरसने लगे। अब भोला और गोलू को एक कुआं नजर आया। कुएं पर ये पहेली लिखी थी। बच्चों, क्या ये घटाव सही है? जी हाँ, ये घटाव में गलती है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यहाँ क्या गलती है? बिल्कुल सही। यहाँ 85 के 5 1 में से हम 36 के 6 नहीं घटा सकते, इसलिए हमें 85 के 8 10 में से 1 10 उधार लेना होगा। इस घटाव में उधार लेकर 15 1 में से 6 1 सही तरह से घटाए हैं, लेकिन 1 10 उधार लेने के बाद 8 10 को घटाकर 7 10 करना भूल गए हैं। तो बच्चों, इस घटाव का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस घटाव का सही उत्तर 49 है। गोलू ने यह सही उत्तर कुएं पर गलत उत्तर को मिटाकर लिख दिया। जैसे ही गोलू ने सही उत्तर कुएं पर लिखा, कुएं में से ढेर सारी टॉफियां बहकर बाहर आ गईं। गोलू ने खूब सारी टॉफियां खा ली। अब गोलू और भोला थक गए थे, वे घर जाना चाहते थे, लेकिन बाहर जाने का गेट बंद था और उस पर ये पहेली लिखी थी। क्या ये पहेली को किसी आसान तरीके से सुलझाया जा सकता है? आइए देखें, भोला और गोलू इस पहेली का हल कैसे ढूंढते हैं। भोला के पास ये नंबरों से भरा ग्रिड है। बच्चों, क्या आपने इस ग्रिड को पहले देखा है? जी हाँ, ये ग्रिड बिल्कुल बनी के 100 कमरों वाले घर जैसा है। इस पहेली में हमें 67 से कौन सी ऐसी संख्या है जिसे घटाने पर हम 36 तक पहुंच जाएंगे, ये ढूंढना है। भोला ने पहले ग्रिड पर 67 से एक छलांग नीचे यानी 10 घटाए और वो 57 पर पहुंच गया। अब उसने एक और छलांग नीचे यानी 20 घटाए तो वो किस नंबर पर पहुंचा? 47, बिल्कुल सही। अब उसने अंत में एक और छलांग नीचे लगाई और वो ग्रिड पर 37 पर पहुंच गया। बच्चों, अब हम 37 से 36 तक कैसे पहुंचेंगे? जी हाँ, एक कदम बाएं चलकर हम 36 तक पहुंच गए। इस तरह भोला ग्रिड इस्तेमाल कर 67 से 31 कदम पीछे जाकर 36 तक पहुंच गया। भोला ने रिक्त स्थान में 31 की संख्या लिख दी। गेट जैसे ही खुला, वहां गोलू और भोला के सामने एक चमचमाती हुई गाड़ी आ गई।
वे दोनों गाड़ी में बैठे और खुशी खुशी घर लौट गए। बच्चों, इस पाठ में हमने दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव करते समय होने वाली कुछ सामान्य गलतियों को देखा।